अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आप लोग ने देखा कि फ्राइडे के दिन ही नया कैसे स्कूल गई थी। उसके बाद में नया के जाने के बाद आज मैं कर रही थी कपड़ों की पैकिंग। अब शाम को मुझे कहाँ जाना है अभी आप लोगों को पता चल ही जाएगा। फिर नया आया, अरे सब गायब, अरे सब गायब, और दोनों वो दोनों सैंडविच दोनों तो नहीं खाई बेटो, तीन था। किसको शेयर करे? तो मांगती। तो हो गई शाम और ये देखिए मैडम हो गई है रेडी, और बस हमारा बैग भी हो चुका है रेडी और हम भी हो चुके हैं रेडी, हमारा सारे सामान हो चुके हैं रेडी। एक्चुअली हेलो, ये रहा मेरा आउटफिट, ये पीछे मेरी मम्मा है, ये मतलब छोटी थोड़ी और है, मेरी मम्मा ऐसा लेती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपनी नानी के यहाँ। चलो आज मैं आप लोग को ट्रेन की सैर कराती हूँ। ऐसा करो पुजल, हेलो, ट्रेन में तो सब लोग मुझे देख के चौंक जाएंगे क्योंकि देखेंगे अरे ये कौन सी परी आ गई, ये तो कोई परी है, कहाँ से आई ऐसा सोचेंगे। लेकिन मैं परी नहीं हूँ, मैं तो हूँ अनाया अंसारी, माय नेम इज अनाया अंसारी। हेलो, ये रहा मेरा बैग, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा बैग, लूज हो गया इस पर मम्मा ने, ये देखिए ये रही मैं। वैसे ना ट्रेन में बैठने का अपना ही कुछ मजा है, बच्चे कैसे भागते रहते हैं दौड़ते रहते हैं, लेकिन मैं भी दौड़ती हूँ भागती हूँ खेलती हूँ, ट्रेन में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे लगता है ना कोई सेलिब्रिटी में गया नहीं हो पार्टी वगैरह में, वैसा लगता है। ट्रेन में ना ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई अजीब घर में आ गया ये सब होता है ना। तो मेरे पीछे अलमारी वो आप लोग को गलत दिख रहा है, तो ऐसे में अच्छे दिख रहे हैं। आपको बताओ मेरी आइस ऐसी होती है, मैं ऐसे करती हूँ तो मेरी आइस क्लोज हो जाती है, अगर मैं ऐसे करती हूँ तो मेरी आइस ऐसे हो जाती है, अगर मैं ऐसे करती हूँ तो मेरी आइस सिंपल रहती है। लेकिन मुझे ऐसे करने में कुछ नहीं होता, और मेरी आईज भी बहुत ख़राब होती है कभी कभी, कभी कभी होती है, ज़्यादा देर नहीं होती है। और मेरा छोटा कूलर चल रहा है, आज मैं चली जाऊँगी तो पापा रहेंगे यहाँ पे, और शादी वहाँ पे, शादी के बाद मैं यहाँ पे आऊँगी, यहाँ पे भी शादी है तो जल्दी आ जाऊँगी यहाँ पे। बाय बाय। तो मुझे तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इनाया ने आप लोगों को जैसे कि सब कुछ बता ही दिया है, तो बस हम भी हो गए हैं रेडी, हम नीचे नाशिर वेट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट से क्योंकि हमारे ट्रेन का टाइम हो चला है। तो आ गए हम लोग कार में, और बहुत ज़्यादा यार बाहर गर्मी थी, अच्छा ही हुआ कि हम लोगों ने शाम का डिसीज़न लिया है कि शाम को चलेंगे। तो बस चलिए पहुँचते हैं हम लोग स्टेशन और मिलते हैं आप लोगों से स्टेशन में। वैसे तो हम लोग जा रहे हैं शादी में, मेरे बड़े अब्बू के लड़के की शादी है तो वहाँ पे जा रहे हैं, जो कि काफ़ी हम लोग एक्साइटमेंट है जाने के लिए। तो बस चलिए चलते हैं, आप लोगों को वहाँ पे भी जो होगा दिखाऊंगी इंशाल्लाह, और यहाँ पे भी जो जो होता है जैसे जैसे रास्ते में क्या क्या होता है वो भी बताते चलते हैं। और इनाया को देख लो, इनको तो हर जगह मोबाइल ही चाहिए होता है, मुझे मोबाइल चाहिए। तो वही मैं समझा रही थी, चलो थोड़ी सी अच्छा वीडियो बना लेती हूँ फिर देती हूँ तुमको। तो बस वही सारी चीज़ें कर रही थी, और बस कब रास्ता कट गया पता ही नहीं चला बिल्कुल, क्योंकि आधे घंटे का रास्ता ही है भदोही का हमारे घर से, तो बस फौरन ही पहुँच जाते हैं।
तो जैसा कि हमने कहा कि पता ही नहीं लगता है कि कब पहुंच गए, तो ये देखिए बातों बातों में हम लोग पहुंच गए राजपुरा चौराहा। यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने लिया और उसके बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा सा आगे। और फिर इनाया मेरी सो गई थी रास्ते में, तो मैंने कहा चलो इनको सो लेने देते थोड़ा सा, क्योंकि दिन में आजकल सोती ही नहीं है बिल्कुल। और जब गाड़ी में, अच्छा वैसे भी बच्चे बाइक वगैरह पे होते हैं, किसी भी गाड़ी में होते तो सो ही जाते हैं। तो बस आ गए हम लोग स्टेशन अब, और स्टेशन पहुंचने के बाद फटाफट से सनसेट के टाइम हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन पर। स्टेशन पर आ करके देख सकते हो हालत स्टेशन की कैसी हो चुकी है, सब खोद खाद मचा हुआ है। और यहाँ पे मतलब बन रहा है, रिनोवेट हो रहा था, तो बस वही चीज़ें थी। और आगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, अभी नैसे जाएंगे टिकट के लिए। यहाँ पे नया का चिप्स वगैरह था तो उसको रख रहा था। ये रही हमारी नैनो और ये रही नया, देख रही किसके पकड़ में मामा ने बैठा दिया। मैं कहा चलो ठीक है इतने बैठ जाओ, क्योंकि ट्रेन ना काफ़ी आगे आ जाती है। बस हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे, नैसे चले गए थे टिकट्स लेने के लिए। बस जहाँ जगह मिली वहाँ पर बैठ गए, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। हाँ वैसे भी इतना अच्छा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा मौसम हो गया था, हमके बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि शाम के टाइम आ, वरना हम लोग फ्राइडे की सुबह को जाने वाले थे, लेकिन ये हम लोग थर्सडे की शाम को ही निकल गए कि सब कुछ हो चुका था। तो बस नासिर भी टिकट लेकर के आ चुके थे, और ट्रेन देखिए सामने एक इंटरसिटी और एक आने वाली जिससे हम लोग जाने वाले थे। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 10 से 15 मिनट में ट्रेन आने ही वाली थी। और इनाया से तो सब्र नहीं हो रहा है, ये स्टेशन पर पहुंचती तो इनका तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, कब ट्रेन आएगी, ये कौन सी ट्रेन है, ये कब जाएगी, ये कहाँ जाएगी, ये नानीघर से आ रही, ये नानीघर जा रही, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद ये देख सकते हो हम लोग आ गए थे ट्रेन पे, और इनाया अपने पापा को विदाई करते वक्त खूब रोई, जिसकी क्लिप मैं नहीं ले पाई। बस इनको चिप्स दिया, मोबाइल दिया और बहला दिए। और फिर क्या था, हम लोग पहुँचने वाले थे बस बादशाहपुर, अब बादशाहपुर चलते हैं और वहाँ मिलते हैं। तो फाइनली आ गए हम लोग बादशाहपुर, और ये देखो हम लोग निकल चुके थे। और ये रहा बादशाहपुर का सारा सा स्टेशन, जो कि कभी शायद चेंज नहीं होने वाला था। मेरे पास लगेज था तो मैं ई रिक्शा से चली गई, और फिर और इनाया अपने मामू के साथ बाइक से ये देखिए आ रही है मेरे पीछे पीछे। तो बस ये तो पहले ही निकल चुकी और मैं बस पहुँचने ही वाली थी थोड़ी देर में। और ये देखिए मेरी जुहा के बचपन का स्कूल जहाँ तक उसने इंटर किया था, तो बड़ा काफ़ी सजा वजा था, मैंने कहा चलो। और ये देखो घर के बाहर ही आते ही इतनी ज़्यादा ट्रैफिक। फाइनली भैया हम तो आ गए अपने घर, अब हम यहाँ से उठेंगे, हमको दो दिन बाद उठाना है, दो दिन बाद हमको चार दिन बाद उठाया जाएगा। ए बिल्ला ए सुनो, अब हमको परेशान नहीं करना, कुछ भी होगा इन लोग से मांगना, ठीक है? और फिर रात हो गई और इनाया आ गई अपने ड्रेस में, और हम लोगों ने खाना खाया साथ में मिल करके। और बस अब तो यहाँ मौजे ही मौजे हैं, बस बेड पे देखो सर जी, बस हाथ धुलने के लिए और वॉशरूम जाने के लिए मुझे उठना पड़ेगा, बाकी तो सब कुछ बेड पे ही होने वाला है। हर एक चीज़ ऑर्डर पे आएगी और खाएंगे पियेंगे ऐस करेंगे और फरमाइशें पूरी होंगी बस यहीं पर। आ गई नहीं वो अपने जगह ही नहीं, यूँ आ गई अपनी जगह, अपने झूले पर आ गई। आप लोग हमेशा देखते होंगे कि ये यहीं पे आके झूला झूलती है। अरे मामू, अरे और अब इनाया का चला नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, अब यही करेंगे, दौड़वाएंगी सबको। तो बस यही सारी चीज़ें अब होनी है। तो खैर आज हमने ये सारी चीज़ें की, और उसके बाद शाम को आया गर्मा गर्म समोसा, मेरी फरमाइश पे मज़ा आ गया यार, काफ़ी टाइम बाद यहाँ के समोसे। क्या खाओगी खाने में? समोसे खा कर तो पेट भर गया है, लेकिन हाथ कोरमा हिला देना, रात में चिकन कोरमा। ठीक है, आज के डिनर में चिकन कोरमा। ये सारे ड्रामे आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। फिर क्या था, जिस काम के लिए आए थे वो चीज़ें अब करते हैं। तो फाइनली आज था दूसरा दिन, और फिर हम लोग तैयार हो चुके थे हल्दी में जाने के लिए। और ये देखो इनका तो अपना ही चल रहा है, और ये तैयार कम हो रही है और नाच गा ज़्यादा रही थी। तो खैर ये लोग यहाँ पे रेडी हो चुके थे और हमारा बस बाकी था, देख सकते फाइनल मिनट जब बाकी था। तो बस मैं चूड़ियों का कलेक्शन सही कर रही थी कि इनको चलो सही से सेट लगा लेती हूँ और पहनती हूँ फिर बैंगल्स को, तो बस वही कर रही थी। और आज हल्दी सेरेमनी था तो वहाँ जाना था, खाना पीना सब कुछ वही होना है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। और यहाँ पर इनाया गुस्सा हो चुकी हैं अपनी खाला से, किस बात के लिए ये तो यही जाने, और गुस्से में भागी जा रही। और मैं अपने चूड़ियों में ही लगी हुई, कितनी प्यारा कलर लग रहा है। तो बस आज हल्दी और मेहंदी दोनों था, तो कल जाने वाली थी बारात। और फिर ये देखो मैं तो हो चुकी थी ऑलमोस्ट डन।
और इनाया का गुस्सा चरम सीमा पे है, बिल्कुल दरवाज़ा दरवाज़ा बंद कर रही कि जाओ तुम लोग नहीं जाएंगे ये वो, फिर कैसे कैसे करके हम लोगों ने मनाया उनको। और फिर फाइनली जुफा अपनी धन्नो लेकर के हो गई थी रेडी, हम और जुफा और इनाया धन्नो से जा रहे थे, थोड़ी सी दूर पे था तो बस चलिए चलते हैं। और फाइनली हम लोग पहुँच आए आंटी के घर पे, और बस हम लोगों को लगा कि सबसे पहले हम ही लोग आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बाकी सब पहले से ही आ चुके। ये रहा आंटी का घर, और बस चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कितने लोग आए हैं कितने नहीं। और सबसे लास्ट में मेरी अम्मी और उनकी बहू आई थी जो कि मेरी भाभी हैं, सबसे लेट लेती वो लोग हुई थी, हम लोग तो तब भी टाइम पे आ गए थे, हल्दी लगने से पहले ही आ गए थे। तो बस आइए अंदर चलते हैं। और अंदर आते ही पता चला कि फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो ये रहे दूल्हे राजा जो कि साली में, और बस इनकी होने जा रही है हल्दी यहाँ पे, तो बैठ चुके हैं पटरे शटरे पे। सो फ्रेंड्स आइए और हमारे यहाँ के रिचुअल्स देखिए, हमारे यहाँ की हल्दी सेरेमनी कैसे थी। और यहाँ पे हम लोग बस खड़े ही थे और आंटी पूछ रही थी कि अम्मी का है, हम क्या अम्मी अपने बहू के साथ पता नहीं कब आएंगी, तो खैर चलिए उनको छोड़िए और यहाँ पे स्टार्ट होता है फंक्शन। तो बस यहाँ पे होने वाला है, तो ये था हमारे यहाँ का रिचुअल जो हमारे यहाँ पे जैसे हल्दी लगती है हमारे मायके में, तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत सी। और फिर उसके बाद चलिए अभी आपको आगे का व्लॉग देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा। <laughs> 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 <laughs>
सो हो चुकी थी हमारे यहाँ की बस में, अब बालू बड़े थोड़ा सा पेट पूजा का, तो बस थोड़ी से स्नैक्स चली खाते और बहुत ही यम्मी सी चाट बनी थी और फिर सेवैयाँ थी, तो हम लोगों ने भाई चिप्स वगैरह खाया बढ़िया से, नाश्ता वाश्ता किया अम्मी ने और रुकदार ने, देखो कितने अच्छे से नाश्ता लगा दिया फटाफट से, और हम लोगों ने इंजॉय करेंगे अम्मी नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा सा पेट पूजा करने के बाद थोड़ी सी और इंजॉय होगी, थोड़ा सा घूमेंगे टहलेंगे, तो बस वही चीज़ें थी, अब खा पी लिया है, थोड़ा सा आगे बाहर सेल्फी लेने के लिए और थोड़ा सा फोटो वगैरह क्लिक कर देते हैं, वीडियोस रील्स बनाने के लिए थोड़ा सा आउटसाइड पे आ गए। चलिए अभी आप लोगों को पीछे भी लेकर के चलते हैं, आंटी का गार्डन दिखाते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, बहुत ही मस्त चीज़ें देखने को मिलेगी आप लोगों को। और इन आयु मेरी चलो मुझे घुमा दो तो मैंने कहा चलो पहले इनको थोड़ा सा टहला वहला देती हूँ इधर ही बाहर ही साइड, और फिर पीछे साइड दिखाती हूँ। और आप लोगों को पीछे का हॉर्न सुनाई दे रहा होगा तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, हमारे यहाँ पे ट्रैफिक का सिलसिला जो शुरू होता है और इस टाइम इतनी ज़ोरों की लगन है कि क्या बताए, तो ये सारी चीज़ें भाई थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी क्योंकि ये सारा हाथ नहीं मेरा मजाक, बिरयानी बहुत ही महक रहा है, से चक्कर आ रहा है, हमें बिरयानी आई हूँ मेरी इनाया अपनी खाला के धनों पर खूब सारी पिक्स क्लिक करी हैं, तो वहाँ इंस्टाग्राम पे जाके देख लीजिए। और फाइनली अब हम लोग आ गए थे पीछे वाले गार्डन पर, ये रहा सरकारी हॉस्पिटल, ये देखो वाह गुड्डू प्यारा सा मेंगू है नारा, ये है आंटी का बगीचा बाग जिसे आप कह सकते हैं, जो आंटी के घर के पीछे है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे तरबूज मौसम्बी आम सेब केला हर चीज आपको यहाँ मिलेगा। और ये है यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ आपको सेब केला तरबूज मौसम्बी आगे आप ज्यादा जाएंगे तो वहाँ आपको सांप मिलेगा। ओ वाह कितनी प्यारी प्यारी मैंगोज हैं, और इतना अच्छा लग रहा था पेड़ में लगे हुए आम देख करके ना, कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग पहली बार जिंदगी में कुछ देख रहे हो, तो बस वही चीजें थी, सब ने खूब सारी पिक क्लिक कराई पकड़ पकड़ के मैंगो को, ऐसे मैंगो नहीं अजूबा हो गया हो, जैसे लग रहा था कि सातवां अजूबा क्या आठवां अजूबा वर्ल्ड का हो गया हो, और इतना नीचे नीचे था कि बच्चे भी इजिली मतलब चुन सक रहे थे उसको, देना आई तो बड़ी खुश हो गई थी देख करके कि चलो मतलब उसको फर्स्ट टाइम वो ऐसे इतने छोटे पेड़ में आम लगे हुए देख रही थी, तो बहुत खुश थी। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं, आंटी का ये है बगीचा जहाँ पे हम लोग आए हैं हल्दी पार्टी छोड़ करके, हम लोग यहाँ पे आ गए और ये सारे देख लो क्या क्या कर रहे हैं, सब फोटो क्लिक और ये देखो एक एक मैंगो पकड़ करके हम लोगों ने फोटो और रील्स निकाली हुई है, तो बस वही सारी चीज़ें खूब सारी मस्ती हम लोगों ने किया पीछे साइड, और देख सकते हो कितने सारे मैंगोज हैं, सच में बहुत प्यारा लग रहा था। इनाया बोल रही थी कि मम्मा मुझे चाहिए, मैंने कहा चलो ठीक है एक ले लो बच्चा, तो खैर यहाँ पे फिर खूब सारी हम लोगों ने मस्ती की, और उसके बाद अभी हम लोग कहीं और जाने वाले थे, तो चलिए देखते हैं कहाँ पर जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे तो हो चुकी थी काफ़ी मस्ती, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट जुफा के कोचिंग सेंटर पे, जो कि बस 3-4 घर के बगल में ही है। इनायु रोड पे नहीं बेटा, बस हम लोग वही जा रहे थे, फर्स्ट टाइम मैं भी जा रही थी, अभी तक का सिर्फ वीडियोस में देखा है, बाहर से देखा कभी अंदर नहीं गई हूँ, और ये तो ऐसा लग रहा था रोड पे नहीं गली में टहल रही हूँ। जुफा का सेंटर न्यू शक्ति, तो बस आज पहली बार चलते हैं, रुको, में और ये रहा इंट्रोड्यूस, आप कॉफी इतनी खुशी दिखा रही है, देखिए गो साइड, यहां मैं बैठती हूं, यहां मैं बैठती हूं, आप उधर बैठिए।
नाम से कंप्यूटर वाला कमरे को है ऊपर, ये वाली बिल्डिंग अभी नई बिल्डिंग भी है। घूमने घामने के बाद आ गए हम लोग फिर से बैठे ऑफिस में। और अभी देखिए जुफा हम लोगों की थोड़ी सी खातिरदारी करेंगे, जुफा क्या सर करेंगे। तो बस आया कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, हम लोगों ने इंजॉय कर लिया, मज़ा आ गया। और बाद में पता चला कि आज मैम का बर्थडे भी था, तो मैंने कहा चलो अच्छा ही है, मुलाकात हो गई, बर्थडे विश भी हो गया, पता होता तो केक शेक भी लेकर आया जाता। तो खैर फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर, और ये देखो कितना अच्छा सजवज भी गया था बाकायदा। और अब बारी थी पेट पूजा की, जिसके लिए भाई हम लोग रुके हुए थे, क्योंकि बनी थी बिरयानी, और रजगे की बिरयानी यू नो वेरी वेल कि कितनी टेस्टी होती है। तो बस हम लोग अपनी अपनी प्लेट्स लेकर के बैठे, और सबसे पहले तो गर्ल्स लोग बैठ गई, तो मैंने कहा चलो मैं भी बैठ जाती हूँ इन लोगों के साथ और शुरू करती हूँ खाना। और ये देखो इन लोग मेरा मजाक उड़ा रही थी कि देखो सबसे पहले अपना ही बैठ गई, कहे हाँ ठीक है मैं खाऊंगी, क्योंकि मैं तो ससुराल से आई हूँ भाई, तो मैं तो पहले ही खाऊंगी, बहू लोग बाद में खाएंगी, पहले बेटियाँ खाएंगी। तो खैर ये सारी चीज़ें मस्ती हो रही थी यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा था। आज लग रहा था काफ़ी टाइम बाद यार कि सब साथ में अच्छा मिलते तो मज़ा आता है, साथ में खाओ पियो बहुत मज़े करो तो बहुत अच्छा लगता है यार। एक तो शादी वाला घर रहता है तो और अच्छा ही लगता है, सारी चीज़ें मज़ेदार होती है। तो बस यम्मी यम्मी सी चिकन बिरयानी, रायता विद सैलड, और फिर क्या था, बस यम्मी यम्मी खाना हम लोगों ने खूब सारा खाया। और खा खा करके फिर हम लोग अब रेडी होने वाले थे घर की रवानगी के लिए, क्योंकि सारा टाइम तो अब यहाँ बैठ नहीं सकते, रात हो चुकी थी। तो बस ये देखिए हमारी प्लेट्स रेडी हो चुकी है, तो फटाफट से हम और इनाया खाते हैं एक ही प्लेट में शेयर करके, और बाकी सारे लोग यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग खा लिए, सारी गर्ल्स खा ली, उसके बाद अम्मी लोग के नंबर, पहले अम्मी लोग हम लोग को सर्व करी, उसके बाद हम लोगों ने उन लोगों को किया, तो ऐसे ही ऐसा हो गया। तो देख सकते हो सब लोग साथ में मिल करके खा लिए। और फिर देखिए हम लोगों के बाद अब अम्मी और भाभियों का नंबर लगा, इधर भाई लोग भी खा रहे थे बैठते। तो बस यही था हमारा ये हल्दी वाला व्लॉग, और आगे का व्लॉग देखने के लिए बने रहिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी, और फिर अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। तो घर पहुँचते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और कॉमेंट्स करिए कि कैसा लगा हमारा ये वाला व्लॉग, आप को जल्दी जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर से कैरी कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय, शबा खैर।